देश का रुपया पतला हो रहा है और डॉलर के मुकाबले रुपए की हालत पूरे देश में चिंता का विषय बनी हुई है। मगर ये मसला सिर्फ और सिर्फ रुपए का नहीं है। इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा आपको कि ज्यादा दिन तक रुपया कमजोर नहीं रहने वाला। कैसे? तो अब आगे समझिए। सबसे पहले ये जान लीजिए कि डॉलर ने सिर्फ रुपए को नहीं रुलाया है, बल्कि यूरोप से लेकर अमेरिका महाद्वीप तक के कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की करेंसी तक को पानी पानी कर दिया है। यूरोप से लेकर ब्रिटिश पाउंड और जापानी येन भी इस वक्त डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ है। दिसंबर 2021 में एक डॉलर 94.50 रुपए के आसपास था, अब 15 जुलाई को ये आंकड़ा पहुंच गया 80 रुपए के करीब। इस तरह डॉलर के मुकाबले रुपया पिछले 6.5 महीने में तेजी से गिरा है, इतना गिरा कि 7% तक गिरावट दर्ज की गई। यूरोप देशों की करेंसी यूरो, ब्रिटिश के पाउंड, जापान की येन, स्विट्जरलैंड की फ्रैंक, कनाडा के डॉलर और स्वीडन की क्रोना के मुकाबले डॉलर इस साल अब तक 13% तक मजबूत हुआ। ऐसे में रुपए की इस कमजोरी को अलग थलग करके देखना जायज नहीं होगा। यानी कि पूरे के पूरे देश में इस वक्त ये हालात बने हुए हैं। जानकार तो ये तक मानते हैं कि कुछ समय में डॉलर को ये मजबूती निवेशकों के ज्यादा जोखिम लेने की वजह से भी बली है। चलिए अब ये भी समझिए कि ऐसा हो क्यों रहा है और इसके पीछे की असल वजह क्या है। वैसे तो ये भी सच है कि भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था में 2020 और 2021 के दौरान शेयर मार्केट ने जबरदस्त रिटर्न दिया था। ब्याज दरों के निचले स्तर पर रहने और डॉलर की पर्याप्त सप्लाई ने विदेशी निवेशकों के बीच रिस्क उठाने की सोच को मजबूत भी किया। और हकीकत ये भी है कि 2021 की दूसरी छमाही से विकसित देशों में महंगाई बढ़ रही है, यानी कुल मिलाकर ये ग्लोबल इफेक्ट है। तभी तो अमेरिका जैसे देश फेडरल रिजर्व ने भी महंगाई को कंट्रोल करने के लिए तमाम कोशिशें की, और इन्हीं कोशिशों के बीच अमेरिका ने अपनी ब्याज दरों को बढ़ाया। यानी सिर्फ भारत ने ही नहीं, अमेरिका ने भी अपनी ब्याज दरों को बढ़ाया। वहीं फरवरी में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के चलते तेल की कीमतों में लगातार इजाफा किसी से छिपा नहीं है और ये संकट पूरा विश्व झेल रहा है। ऐसे हालात में निवेशकों ने भी भारत जैसे इतने बड़े बाजार से निवेश निकालना मुनासिब समझा, यानी रिस्क लेने को कोई तैयार नहीं। वहीं तेल महंगा होने से हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ने लगा, इससे डॉलर की डिमांड और बढ़ गई और आखिरकार रुपए के मुकाबले डॉलर की मजबूती दिखाई देने लगी। यानी साफ है कि रुपए का कमजोर होने के सबसे बड़े कारण बाहरी हैं। तभी तो अगर ऐसा ना होता तो फिर यूरो और पौंड का भी हाल बुरा क्यों होता। वैसे राहत की बात यह है कि जानकारों का मानना है कि आने वाले वक्त में सब कुछ ठीक रहा तो रुपया मजबूत हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।